प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि किस तरीके से प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम स्वच्छता को लेकर चलाई हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए वह लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखे। दरअसल दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है, जहां एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और प्रदूषण भी ना फैलने दे, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर किसी बीमारी का साया ना पड़े। मैं सेल्सियस नाम की संस्था से को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज अपने बीके हॉस्पिटल पे आज नाटक नुक्कड़ का करा, क्या उद्देश्य है इसका? जी, तो आज जो नुक्कड़ नाटक हो रहा है उसके मुख्य दो नाटक हो रहे हैं। एक नाटक है जो स्वच्छता के ऊपर है, सो एक कदम स्वच्छता की ओर नाटक का जो है वो, और जो हमारे प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट है जो उन्होंने शुरू की है स्वच्छता की ओर, उसके ऊपर एक नाटक है और दूसरा नाटक है देशभक्ति के ऊपर। अच्छा जी, ये जैसे कहाँ करवा रहे हैं आप ये नाटक? ये हम यूँ तो दिल्ली में काफ़ी जगह कर चुके हैं, गुड़गांव कर चुके हैं, अब फरीदाबाद कर रहे हैं। तो दो दिन फरीदाबाद है, आज और कल दो दिन। ठीक है, तो आज पहला जो है हम बीके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी जी जी, तो ये जागरूकता पे है और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है उसके बारे में। ठीक, प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। अरे भाई साहब, अरे बहन जी, इतना धुआं, इतना धुआं, इतनी आवाज स्वच्छ हो रखी है। आप लोगों ने इतना धुआं कर रखा है, बाय गॉड, जगह जगह कूड़ा चला देते हो आप लोग, गाड़ियों का पोल्यूशन और पटाखों का पोल्यूशन, और इतनी तो आप लोगों ने फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। अरे भाई साहब, मुझे तो लगता है मुझे टीबी हो गया है। अरे मेरे को कोई अस्पताल में दाखिल। वायु मिलके रहे हो ऐसे संसार की, आओ बच्चों तुम्हें बहुत सारे देवी देवता का निवास है गाय माता में, तो और जानना चाहोगे तो इसी बात पे गाय माता खुद अपने बारे में आके बताएगी। बजाओ ताली। ये बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग मुझसे यानी इस गाय से इतनी मोहब्बत करते हैं। 84 लाख योनियां पार करके हैं। इतनी सारी हवा दूषित हो जाएगी क्या? आप करोगे, आपको देख के 4 लोग और आएंगे और कचरा करेंगे। आपको भी देख के भाई साहब 5 लोग और सिगरेट टाने में पूरा हवा को दूषित करेंगे, उसका क्या? भाई साहब आप सुना कर इनको कुछ वहाँ से देख रहा हूँ उनको मैं। अरे क्या हो गया? अरे कचरा रखा है कर रहे हैं यार, ऐसा कचरा। अरे तो आप हम पे उल्टा क्या चढ़ रही है? आप हमको हम उनको सिखा रहे हैं, हमको सिखा कर रही है। भाई साहब बताइए, कंटिन्यू क्यों झगड़ रहे हो, क्या हुआ? नाना जी, हम कहाँ झगड़ रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रही हो? अच्छा नाना जी, हम सबको कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा,